सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद ट्रिपल ए। तो जैसे आप सभी को पता है, मैं कुछ दिन से आप सभी को बोल रही थी कि मैं एक वीडियो दूंगी कि मैं क्या क्या खरीदी हूँ उधर से। आप सभी को पता है, मैं कुछ दिन पहले गई थी नॉर्थ बंगाल एंड ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ट्रिप था। एंड मैं फर्स्ट टाइम पहाड़ देखी थी, झरना देखी थी। इतना टाइम तो हम लोग सब टीवी में ही देखते हैं, फोन में देखते थे, पर सोचते थे अरे यार काश मैं भी एक दिन जाऊँगी। न्यूज में भी मैं बहुत देखती थी। तो फाइनली मेरा वो विश पूरा हुआ। ये एडुकेशनल टूर था, पर हम लोग इतना ज़्यादा मस्ती किए, डांस किए पहाड़ में, पहाड़ का पास्ता मोमोज ट्राई किए, पहाड़ में घूमे, 360 डिग्री व्यू देखे, पहाड़ चढ़ने का एक्सपीरियंस किए, झरना देखे, मतलब पहाड़ के बारिश में भीगे हम लोग, धूप देखे पहाड़ का ठंडा देखे, मतलब लिटरली मुझे जो सब करना था लाइफ में मैंने सब करा। बस एक चीज़ को छोड़ के जंगल सफारी, जो मुझे बहुत मन था, पर वो एडुकेशनल जब हम लोगों का क्लासेस होता था उस टाइम पे ही वो जंगल सफारी का आ रहा था, तो वो हो नहीं पाया इंडिविजुअली, चाहे कोई नहीं उसको हटाते हैं। पर मैं आप सभी को बता रही थी कि मैं उधर से क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ, वो सभी आप सभी को दिखाऊंगी। पर आने के बाद से ही काली पूजा, दिवाली, ये वो, धनतेरस सब कुछ लगा हुआ था, इसलिए मैं आप सभी को नहीं दिखा पा रही थी कि मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ। तो चलिए, ये वाला व्लॉग होने वाला है कि मैं क्या शॉपिंग की हूँ उधर से लाई हूँ, वो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। उसके साथ दिवाली स्पेशल भी कुछ शॉपिंग मतलब है, और कुछ चीज़ें हैं जो गिफ्ट्स मिला है, तो वो सब भी आप सभी को दिखाना है। तो चलिए, फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी क्या मैं उधर से शॉपिंग करके लाई उधर से। चलो स्टार्ट कर, मेरे लिए सबके लिए क्या क्या सब दिखाऊंगी। और मैं दार्जिलिंग गई हूँ एंड चाय पत्ती नहीं खरीदू, वो हो सकता है, पूरा वर्ल्ड में फेमस है दार्जिलिंग टी एंड मैं दार्जिलिंग गई हूँ और वो नहीं लाऊ, तो हो नहीं सकता। तो फिर चलिए उससे ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फिर ये दो मैंने लाया था, एक रेगुलर बोल सकते हो मेनली, मतलब मैं थोड़ा ना भूल गई हूँ कौन सा क्या है, मुझे फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए करिए, आई थिंक ये वाला ही महंगा वाला है, दार्जिलिंग टी है प्योर एंड बहुत अच्छा है, क्योंकि उधर भी हम लोग दार्जिलिंग टी पिए थे। तो फिर हाँ, तो ये एक दार्जिलिंग टी का पैकेट मैंने बस लिया था, 150 ग्राम, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ा महंगा है, 950 के आसपास आता है, और ये 750 के आसपास आता है, ये रेगुलर टी बेसिस बोल सकते। चलिए कोई नहीं, तो ये चाय पत्ती मैं उधर से लाई हूँ, टेस्ट करके आप सभी को जरूर बताऊँगी कैसा है। तो अगर आप लोग चाहो तो कॉमेंट करो, मैं इसका भी वीडियो दूंगी आप सभी को। उधर से मैं मतलब जब से लाई हूँ मेरा मन हो रहा था मैं खोलू दिखाऊ सबको, पर मैं नहीं दिखाई। तो चलिए कोई नहीं, उधर से मैं अपने लिए एक हैंडमेड देख सकते हो, वुडन का बना हुआ, ये इसको ना हम लोग बंगाली में कांटा बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे बन बनाते हैं और उसमें से लगाते हैं। तो फिर ये मैं लगाऊंगी, और ये मैंने लिया है बहुत प्यारा, इधर 3 फ्लावर्स है यू कैन सी, एंड ये काटा है। तो फिर हाँ, ये इसको हम लोग काटा बोलते हैं, पर इसको क्या बोलते हैं मैं गूगल करके आप सभी को ज़रूर बताऊंगी, है ना। तो फिर चलिए, उसके बाद मैं अपने मम्मा और मेरी बुआ, छोटी वाली बुआ के लिए मैंने ना 2 बैग लिया है, क्योंकि वो लोग मतलब काम वाम में जाते हैं, ये ना मतलब पूरा पैकिंग है। और मेरी बुआ आई थी और वो बोल रही थी दिखाओ मुझे क्या है, मम्मी भी बोल रही थी, पर मैंने कहा नहीं, मैं अगर वीडियो बनाऊँगी पहले एंड उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊँगी। तो ये मैं ना फर्स्ट लाई हूँ, ये जो आप सभी को पता है, ये जो कार के हो गया या फिर बाइक हो गया उसके सामने लगाते हैं ना, ये वाला। तो हाँ, ये मैंने अपने भैया के लिए लिया है, बड़े भैया के लिए। तो फिर ये उनके लिए है, ये 2 प्यारे क्यूट बैग्स, मतलब ये हैंडमेड है और बहुत प्यारा डिज़ाइन है, दोनों पूरा सेम है, ऐसे आप लोग देख सकते हो, बस कलर अलग है और कुछ नहीं है। तो फिर ये एक मेरे मम्मा के लिए और एक बुआ जी के लिए, तो कैसा है आप सब जरूर कॉमेंट करना। तो हाँ, बहुत प्यारे है, तो ये 2 मैं ली थी उनके लिए। अब आते हैं भाइयों के लिए क्या है, तो मैंने अपने दोनों भाइयों के लिए सेम लिया है, मतलब मेरा खुद का भाई और मैंने बुआ का छोटा बेटा के लिए, दोनों के लिए मैंने सेम ये लिया है, ये ना माफलर है, तो बहुत प्यारा और सेम कलर में मैंने इसलिए लिया है कि कोई मुझे बोल नहीं सकता दीदी आपने तो उसके लिए ये कलर लाया है, मेरे लिए कलर नहीं, दोनों में झमेला नहीं होगा। तो फिर ये एक देख सकते हो, बहुत प्यारा है, लिटरली मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था, तो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ एक आप सभी को, देखिए इतना बड़ा है। तो ये मफलर कम स्कार्फ कुछ भी बोल लीजिए। तो ये फिर एक मैंने लिया था, मतलब दोनों भाई के लिए 2, और लिटरली भाई दू जा रहा है तो वो फिर उसके लिए बेस्ट है, और ठंडा विंटर भी आ रहा है और कोलकाता में उतना ठंडा पड़ता नहीं है, तो ये बहुत कंफर्टेबल होगा और उन दोनों को एंड पसंद भी आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट है, सबके साथ चल जाता है ना। मेरे पापा के लिए, मेरे पापा को बेसिकली बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ते ना पड़ते, मेरे लिए माफलर निकालो, मेरे लिए टोपी निकालो, मंकी टोपी निकालो, मोजा निकालो, तो ऐसे करते रहते हैं। तो भी चले कोई नहीं, ये मैं खोल नहीं रही हूँ, पर हाँ मेरे पापा के लिए ये है, एक ऑफ वाइट कलर में और रेड कलर में डिज़ाइन में है, और ये कुछ डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है, ये भी एक माफलर है और इसमें क्यूट क्यूट ऐसे देखो रस्सी जैसा है, तो भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, तो मैंने ये भी उनके लिए लिया। नेक्स्ट मैंने सेम लिया, बस कलर में अलग है, उनका छोटा छोटा मतलब वाइट प्रिंट था और ये पूरा एकदम पूरा गमछा प्रिंट में बोल सकते हो है मेनली,
तो ये मैंने लिया है, ये मतलब मुझे बड़ा ये जवानी है दीवानी का वाइब्स दे रहा है। तो फिर चलो कोई नहीं, ये मैंने लिया है अक्कू के लिए। तो फिर अक्कू मुझे कुछ दिन बोल रहा था, अरे नॉर्थ बंगाल गई हो मेरे लिए क्या लाओगी? मैंने कहा कुछ नहीं लाने वाली मैं तुम्हारे लिए। तो फिर चलो, ऐसा कैसे हो सकता है, सबके लिए लड़ी, उसके लिए भी मुझे लेना था। तो फिर मेनली मैंने ये लिया है अक्कू के लिए। कौन सा आप सभी को ज्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट जरूर करना। तो फिर हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे ही भूल सकती हूँ। तो फिर उसके लिए मैंने खरीदा है ये वाला शॉल, जो मुझे लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आया है। यू कैन सी गाइस, इसमें ऐसा डिजाइन है एंड पूरा में मतलब काम किया गया है, एक शॉल है मेनली, एंड ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। तो ये नेहा के लिए, मतलब उसको भी नहीं पता कि मैं उसके लिए कुछ लाई हूँ। तो फिर चलिए, ये तो हो गया मेरा नॉर्थ बंगाल से मैं क्या क्या लाई थी। यही बस कुछ लाई थी क्योंकि ऑलरेडी मेरा इतना सारा लगेज था और भी मेरा मन कर रहा था कि मैं खरीदूँ, पर उतना कौन ही लेके आता, ऊपर से मेरा हाथ भी दर्द हो गया था। फिर मैंने छोड़ दिया कि चलिए कोई नहीं, जितना मैंने लिया उतना काफ़ी है। तो फिर मेरे पापा को क्या क्या मिला है गिफ्ट में उनके साइड से, तो वो भी चलो आप सभी को मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक क्यूट सा थाली, मतलब पूरा थाली का सेट है, सॉरी, क्यूट एंड छोटू सा ग्लास, एंड उसके साथ ये एक चम्मच, दो कटोरी, छोटू सा प्लेट जैसा, एंड उसके साथ ये एक थाली। तो बहुत प्यारा है, मतलब ये तो काम पे लग ही जाएगा गाइस, इतना प्यारा सेट है। ये एक रेमंड का जो हर साल ही मिलता है पापा को, एक पीस पैंट एंड शर्ट का पीस, जैसे कि आप सब देख सकते हो इधर। तो हाँ, ये भी बहुत प्यारा एंड क्यूट से पैकेजिंग में आया है, जो मुझे बहुत पसंद आया लिटरली। टी शर्ट रेड कलर का, वी नेक है इसका। तो ये फिर ये येलो कलर का भी एक टी शर्ट जैसा है, मतलब ये गेंजी है, टी शर्ट नहीं है, मतलब कॉलर वाला जो गेंजी आता है लड़कों का, बहुत सॉफ्ट है लिटरली ये वाला, बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा देखिए, और बहुत सॉफ्ट मटेरियल में भी है। तो या ये, तो फिर ये एक बहुत प्यारा एंड क्यूट सा बॉटल। उसके साथ ये एक डियो, रॉयली कंपनी का लग्जरी डियो कलेक्शन। चलो थोड़ा स्प्रे करके देखते हैं। व्हाट अ स्मेल, आई जस्ट लव इट, मतलब लड़कों के लिए तो बेस्ट है। टॉवल येलो कलर का, थोड़ा लाइट कलर है पर चलो कोई नहीं। एंड उसके साथ ये एक लैक्स का साबुन। वाह, बहुत कुछ है भाई, मैं कितना दिखाऊँ, मैं खुद थक गई भाई। थाई ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा ही है। तो ये है डेट्स का पैकेट, डेट मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको लोग बंगाली में बोलते हैं खेजूर, तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करो, मुझे तो नहीं पता। और मैं नहीं खोल रही हूँ, बहुत लग्जरी बॉक्सेस हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे मिठाइस का पैकेट है गाइस, लिटरली प्रभु जी का है, सोम पापड़ी, और ये एक है, ये हम लोग खोले थे भाई, इतना सारा बॉक्सेस है, मैं कितना दिखाऊँ और कितना नहीं। केसर लड्डू भी देखो, कितना प्यारा प्यारा पैकेजिंग है, मुझे मतलब यही बहुत ज़्यादा पसंद आता है लिटरली। ठीक है, मतलब इतना दिन से बस पैकेट आ ही जा रहा है। आप सभी को हैप्पी दिवाली गाइस, एंड लिटरली देखिए, और दो पैकेट्स इधर है कुछ, ता ब्रदर्स का एक है मिठाई का पैकेज, भी बहुत प्यारा पैकेज। इधर भी शौंदेश वगैरह है, और मुझे पता है गाइस मीठे से, मीठे में ना शौंदेश ज़्यादा पसंद है। आप सभी को लड्डू पसंद है या शौंदेश, मुझे कॉमेंट करो। ये भी एक लड्डू का पैकेट है, और इसका पैकेजिंग वाई गॉड भाई, लिटरली सुपर से ऊपर है। तो ये सारा था, और मैं जब भी घूमने जाती हूँ ना गाइस, तब ना मेरे मीशो का पार्सल आ जाता है, और मुझे फ़ोन करके बोलना पता है इसको कि रिसीव कर लो, क्योंकि मेरा पैसा पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ रहता है। तो फिर चलो कोई नहीं, मैं ना जब ट्रैवल में जाऊँगी सोची थी, तब मैंने ये दो ऑर्डर किया था, पर आया मेरे ट्रैवल में जाने के बाद, तो क्या ही कर सकते हैं, पर रिसीव मैंने कर लिया, पापा को मैंने कहा था। तो ये एक आया था ना, वो जो क्यूट क्यूट सा होता है ना, जो टॉयलेट पेपर वगैरह, जो सोप पेपर होता है ना, टॉयलेट पेपर बोल रही हूँ, चलो कोई नहीं, सोप पेपर होता है, वही आया है। यार मेरे बाबल का जितना सारा पैकेट का कलेक्शन था, मेरी मम्मी ने सारा फेंक दिया बताया, पर देखो भगवान ने मेरी सुन ली, फिर से मुझे ब्लॉक बबल का पैकेट मिल गया। मुझे बबल जो ना वो फोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैंने ये कलर तो नहीं, ये है वेट वाइप्स का एक पैकेट, जो ये कैन के बॉटल के में आया हुआ है। लेट मी शो, यप देखिए प्यारा है ना। हाँ, एंड इधर बहुत क्यूट क्यूट सा रेनबो स्टार्स लव एंड ऑल बना हुआ है, और ये जो एक पायल है जो छन छन कर रहा है, के साथ ये एक आया हुआ है जो फ्रुचेरी फ्रूट क्वीन है, और ये पेपर सोप है मेनली, और ये पता है स्टार लव बहुत कुछ में आया हुआ है, क्यूट क्यूट सा कुछ सा,
स्मेल बहुत प्यारा है चेरी का है ना, मतलब टॉप ऑर्डर की थी जो 168 में मुझे रिसीव हुआ है, ब्लैक टॉप था, मुझे सब सब आउटफिट के साथ चल जाएगा ये सोच के मैंने इसको ऑर्डर तो किया हुआ था, पर मैं घूमने चल गई फिर ये भाई साहब आके पहुँचे मेरे घर। अनबॉक्सिंग करते ना किसको ना अच्छा लगता है, पापा देखेंगे ना लिटरली बोलेंगे क्या आया है ये क्या है। तो हाँ ये एक प्यारा सा टॉप है जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, जो मैं पहनूंगी देखूंगी कैसा लग रही हूँ मैं। तो फिर चलिए ये बहुत स्ट्रेचेबल है तो ये आ जाएगा अच्छे से, है ना। तो फिर चलिए ये सारा चीज़ें था आज के लिए, मैंने इतना सारा वीडियो बनाया, आई थिंक थोड़ा लेंदी हो जाएगा और मैं बकबक नहीं करूँगी। आई होप वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड काली पूजा का बहुत सारा शुभकामनाएं। सामने ही भाई दूज है, आप लोग अच्छे से बिताइए फैमिली के साथ, इन्जॉय करिए यही टाइम में, छोटे छोटे पल छोटी छोटी खुशी को जी लीजिए क्योंकि क्या पता कल होना हो। तो फिर चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।